बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में। मैं सूरज राज, आज के स्टूडेंट देखने वाले हैं जो भी छात्र बीएससी थर्ड ईयर में है उनके लिए हम लेके आए केमिस्ट्री का थर्ड पेपर। केमिस्ट्री के थर्ड पेपर में हम देखेंगे, केमिस्ट्री के थर्ड पेपर यहाँ लिखा है, इसको हम बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री जिसने की आज भी है, ठीक है ना, याद रखना मेरी बात को। जो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वही पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना। जिन छात्रों के पेपर में एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहा है, कोई भी पेपर हो सकता है, फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर, और एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहा है, बहुविकल्पीय, वो हमारे पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से, जो आप अच्छे नंबर लाकर, मतलब बहुत कम पढ़कर, कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए जो पेपर में आए, मेरा मतलब ये है। तो वही आप पढ़िए, कम क्वेश्चन को पढ़कर अच्छे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास टाइम इतना नहीं है पढ़ने का, एक साल नहीं है, अब बस इतना सा टाइम है, इस टाइम को मेंशन करिए, सही जगह लगाइए, बस मेरा कहना है ये, ठीक है। और कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। कोई भी परिस्थिति आती है आप मुझसे संघर्ष, मतलब थोड़ी सी सलाह ले सकते हैं, एक्चुअली मैं उस सलाह के लिए मैं आपको दूंगा, ठीक है, और सही राइट एक रास्ता दिखाऊंगा आपको। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका भाई बहन हाई स्कूल इंटर बीए बीएससी बीकॉम कर रहा है, एमएमएससी एमकॉम के लिए भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे नेक्स्ट ईयर, अभी तो नहीं हो पाएगा, और डीएलएड बीएलएड और उसके साथ में बीएससी नर्सिंग जो कर रहा है, या फिर बीएससी के एग्रीकल्चर के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे, आप चिंता मत करिए। और जो डी फार्मा बी फार्मा कर रहा है उनके लिए मैं, जो डी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कर रहा है उनके लिए मैं नोट्स ले आया हूँ, नोट्स भी आप डाउनलोड कर पाएंगे, उसका भी हमारा लिंक वेबसाइट पर मिलेगा, वेबसाइट का नाम हो जाएगा paperhacker.in। आप गूगल पर सर्च कर लीजिए paperhacker.in, वहाँ सबसे ऊपर आएगा हमारी वेबसाइट paperhacker.in, सूरज राज सर इस तरीके से आएगा। आप हमारा जो चैनल का लोगो है वही लोगो वहाँ हमारी साइट पर होगा, आप नीचे जाएंगे वहाँ हमारे यूट्यूब चैनल के लिंक मिल जाएंगे, ऊपर नीचे जॉब डिटेल्स, जॉब वगैरह सब कुछ मिलेंगे। जो जॉब हाल ही में अभी निकलती है, आर्मी की जॉब निकलती है, वहीं आप नोटिफिकेशन पा सकते हैं paperhacker.in पर जाकर, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब, उसको ज्वाइन, उस फॉलो कर लेना, उस साइट को फॉलो कर लेना। और एक हमारा न्यू चैनल है खिलाड़ी भैया एक्स वाई जेड, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सब्सक्राइब कर लो यार। अब देखो यहाँ 2022 में यूपी के आल यूनिवर्सिटी के लिए बता रहा हूँ, यूपी आल यूनिवर्सिटी के लिए 2022 में आने वाले क्वेश्चन कौन कौन से हैं, ध्यान से पढ़ लीजिए। देखो यहाँ बोला गया है बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री थर्ड पेपर, जिसे हम फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं इसको, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री। अब यहाँ देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, मैं आपसे बोल रहा हूँ जो बता रहा हूँ वही पढ़ के जाना, पेपर में आपको कोई फेल करने वाला पैदा नहीं है, इतने ही क्वेश्चन पढ़ लेना यूपी के आल यूनिवर्सिटी वाले छात्र, ये लिख के ले लो मुझसे, आपको फेल करने वाला कोई फायदा नहीं है, सच बता रहा हूँ। आपकी यूनिवर्सिटी में, आप चाहे एमपी बिहार राजस्थान कहीं से भी हैं और ये क्वेश्चन मिल रहे हैं ना आपके सिलेबस में, तो टिक लगा लेना बेटा साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो बार बार रिपीट होते हैं वही महत्वपूर्ण होते हैं, मैं आपको बता दूं। अब यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है श्रेणीगढ़ समीकरण, श्रेणीगढ़ समीकरण इज मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम 2022 के लिए, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 2022 के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है श्रेणीगढ़ समीकरण। और देखो ये सायो साई में महत्व से पूछा है, ये आप देख लीजिए इस तरीके इसको आए, और ये इस तरीके से। अब यहाँ देखिए हुक का नियम पढ़ के जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है हुक का नियम। उसके बाद में आपको देखना है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे हम कहते हैं बीबीटी थ्योरी, उसकी सीमाएं, एमओटी, और देखो एमओटी को आपको कैसे देखेंगे, एमओटी को बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसका आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना होता है विथ डायग्राम के साथ, वो निकालेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड का, ऑक्सीजन का और CO2 का, मतलब आपको निकालना है किसके साथ, CO का, O2 का और CO2 का, ये तीन का याद करके चले जाना, पक्का 100% आपके पेपर में ये छपने वाला है। मोलरता किसे कहते हैं, मोलरता किसे कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चनों में बनते हैं और इनको आपको पढ़ना चाहिए। मेरा मकसद ये है, यदि आप टॉप करने वाले हो, टॉपर बनने की सोच रहे हो, तो आपको यार संघर्ष करना बहुत जरूरी बन जाता है, मेरे मतलब से, मेरे एक राय है, वो उस राय को बता रहा हूँ, थोड़ा संघर्ष जरूर करिए और संघर्ष के बिना कुछ नहीं होता, इस बात को भी आप जानते हैं। उसके बाद में है मोलरता हो गया, इसको देखिए ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है बोहर का सिद्धांत उनकी सीमाएं, तो बोहर का सिद्धांत क्या था, उसकी सीमाएं क्या थी, वो आप याद करेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। वहीं क्वांटम इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, और यहाँ देख रहे हैं संकृत कक्ष, संकृत कक्ष बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इसको आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए अभ्रक्त स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ लेना, अभ्रक्त स्पेक्ट्रम के दो भाग होते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 होता है
एटॉमिक स्पेक्ट्रम, दूसरा होता है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। दोनों को आप पढ़ के जाएंगे क्योंकि ये एमजेपी आर्य रोहनखंड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। साथ ही साथ आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आगरा से हो, मेरठ से हो, अलीगढ़ से हो, ठीक है, बनारस यूनिवर्सिटी से हो, सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी से हो, अवध यूनिवर्सिटी से हो, अयोध्या से, एमजेपीआरयू बरेली से हो, मेरठ यूनिवर्सिटी से हो, सबके लिए बहुत पूर्ण है ये क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए ये बोल रहा, कह रहा है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, हाइजेन ने जो अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और संक्रमण क्या होते हैं, जैसे कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, 100% पेपर में छपेगा। संक्रमण हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, जैसे कि SP1 हाइब्रिडाइजेशन, SP2 हाइब्रिडाइजेशन, SP3 और SP, देखो SP3D1 और SP3D2 और SP3D3, ये जो छह आप देख रहे हैं, SP1, SP2, SP3, SP3D1, SP3D2 और SP3D3, जो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, छह प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलते हैं जब आप थर्ड ईयर में आते हैं। जब फर्स्ट ईयर में होते हैं तो तीन टाइप के ही देखने को मिलते हैं, तो काम चल जाता है। थर्ड ईयर में हो छह टाइप को याद कर लेना, क्योंकि आपके हाथ में आपका भविष्य है, इसको याद रखना है। रमन इफेक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको रट के जाएंगे, ठीक है। और आप ये वाला जो क्वेश्चन है, रमन स्पेक्ट्रम छोड़ देना, लेकिन रमन इफेक्ट को पढ़ के जाना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको बाहर चुंबक की प्रवृत्ति के मापन गाय विधि द्वारा याद करके जाना, फेराइड विधि और गाय विधि। फेराइड विधि से भी आपसे पूछता है, आपके गैस पेपर में फेराइड विधि से है तो फेराइड विधि से, और गाय विधि से पूछ रहा है तो गाय विधि से याद करिएगा। बल नेतांक को पढ़ के जाएंगे, बल नेतांक की परिभाषा और क्वांटम दक्षता के बारे में। बाकी मैं जो छोड़ रहा हूं, ये पराषण दाब मापने की विधि छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में नीचे चले जाना इस क्वेश्चन पर, ये बोल रहा है कृष्ण का विकिरण किसे कहते हैं, ठीक है, ब्लैक बॉडी रिएक्शन के बारे में, रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। यह है क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या चार प्रकार की होती है, स्पिन क्वांटम संख्या, दक्ष, ठीक है, जो होती है वो चारों प्रकार की क्वांटम संख्या को आप पढ़ के जाएंगे और उनके महत्व, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बनता है क्वेश्चन। आइंस्टीन के प्रकाश तंत्रता का नियम, ये 100% आपके पेपर में बनेगा, 100% की बात कर रहा हूँ, 100% आपके पेपर में बनने वाला है, तो इस क्वेश्चन को भी आप रट के जाना है, ठीक है बेटा, समझ रहे हैं मेरी बात को, क्योंकि आपको 2022 में टॉप बनना है, मतलब कि टॉप करना है। जब टॉपर बनना है और टॉप करना है तो यार कुछ तो संघर्ष करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलने वाला, समझ रहे हैं ना, थोड़ा संघर्ष कर लो, जो बता रहा हूं वही पढ़ लो बस। यार एक बात बताओ, तू एक साल से तुम लोग क्या 15 से 20 क्वेश्चन को नहीं याद कर सकते, तो ऐसी जिंदगी पर थू है, मैं बोल तो रहा हूं यार, समझो, संघर्ष करो थोड़ा सा, ठीक है ना, तो ऐसे जिंदगी जीने से क्या फायदा यार, 10 क्वेश्चन मतलब 15-20 क्वेश्चन ना पढ़ सको तुम एक साल में, याद ना कर सको एक पेपर का, तो ज्यादा हो गए, बताओ मुझे कितने क्वेश्चन करने हैं, मुझे बताओ कितने, 15-20 मान लो, ज्यादा नहीं बता रहा, 20-20 क्वेश्चन मान लो, हटाओ 20 क्वेश्चन तीन पेपर में केमिस्ट्री के, कितने हो गए, 60 हो गए क्वेश्चन, ठीक है, 60 से और कम 50 ही हो जाएंगे, क्योंकि किसी में ज्यादा भी होता है किसी में कम, चलो मान लो 60 ही क्वेश्चन मान लो, ठीक है, अब 60 × 3 = 18 180 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे, टोटल कितने हो गए बेटा, एक हिसाब से लगा लो 180 क्वेश्चन हो गए। 180 क्वेश्चन आपको पढ़ना कितना होता है, 365 दिनों में, 365 दिनों में 180 क्वेश्चन याद कर रहे होते हैं, यार गजब है, हैरान है ना, क्या 365 दिन में केवल 80 क्वेश्चन आप याद ना कर पाओ, तो ऐसी जिंदगी का क्या जीना यार, है, समझो यार, इतना ना करोगे तो क्या करोगे। अब यहां देखो हिमांकी अवनों के बिलियन के, इसको छोड़ दीजिएगा, यहां देखो प्लैंक का विकिरण का क्वांटम सिद्धांत, इसको पढ़ो, विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में पढ़ के जाएंगे। टिक लगा लिया दोनों पर, लगाओ फटाक से, नहीं लगाया तो लगाओ यार, माँ बोली बात नहीं है, मजाक तो चल ही नहीं रहा यार, ठीक है, समझ रहे ना, मजाक नहीं चल रहा है। अब यहां देखो, यहां देखेंगे विद्युत द्विध्रुवण क्या होता है, विद्युत द्विध्रुवण को पढ़ेंगे, और यहां बोल रहा है देखो क्लासियस मोसोटिक समीकरण, इसको पढ़ेंगे, मोसोटिक समीकरण के बारे में, क्यूरी बाइल्स नियम को पढ़ेंगे। ये जो क्वेश्चन है ना, ये रटने वाले क्वेश्चन है, तो पेपर में हर साल पूछता है एग्जामर आपसे, हर साल पूछता है ये क्वेश्चन, बो आ रहे हैं। संदीप्ति क्या होती है, इसकी परिभाषा ये देखिए, यहां बोल रहा है चुंबकीय आघूर्ण किस प्रकार आयोजित इलेक्ट्रॉन से संबंधित होता है, छोड़ दीजिए, ठीक है, यह है ऊष्मीय अभिक्रिया, ऊष्मीय अभिक्रिया की परिभाषा पढ़ेंगे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रदीप्ति क्या होती है, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन फंसते हैं, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में छपेंगे यार ये पेपर में, समझ रहे हैं ना। उसके बाद में नीचे पहुंच जाओ, नीचे पहुंच जाओ बेटा, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं ना, लेवार्ड्स नियम के बारे में, बियर नियम की परिभाषा, शॉर्ट में याद कर लेना इन सबको यार, हमारे नोट से डाउनलोड करो, वेरी शॉर्ट, जिसके भी एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहा है ना, बहुविकल्पीय क्वेश्चन,
पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, फ्री में दे रहे हैं हम लोग फ्री में। अब यहाँ देखो राउल्ट का नियम पढ़ो, ठीक है, संप्रेषण विलयन को पढ़ लेना, और यहाँ देखो संप्रेषण विलयन पढ़ लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रकाश विद्युत इफेक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन मस्त पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं देखना, समझ रहे ना, ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं देखना, बस हो गया काम तुम्हारा, बस यही पढ़ लो, 85% प्लस ले आओ, 85% प्लस मतलब कि 2022 के टॉपर बन जाओ, 2022 के टॉपर बनना है आपको, 2022 के टॉपर बनना है, तो आपको चैनल को अभी सब्सक्राइब करना पड़ेगा पेपर हैकर को, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करना है, कोई भी दिक्कत आ रही है फ्री नोट्स वगैरह सब प्रोवाइड करा रहे हैं हम लोग, फ्री नोट्स मैं अब दे रहा हूं आपको, कोई नहीं देता होगा, फ्री नोट्स लो यार फ्री में, वो भी जाओ हमारी वेबसाइट paperhacker.in पर जाओ, सब्सक्राइब कर लो वहां, फॉलो कर लेना उस साइट को, और न्यू चैनल जो हमने खोला है जिसका नाम है खिलाड़ी भाई XYZ, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जाओ अभी दोस्तों को शेयर करो फटाफट, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ओके okay?